सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मीर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरस्वती जो निर्विवाद रूप से जो चेहरा है सीकर की राजनीति में, जो सीकर की राजनीति में किसी भी पक्ष और विपक्ष के किसी भी मुद्दे पर, ठीक है हुकुम सिंह जी, सुमित्रा सरस्वती को सुनिएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के काम पूरा दारोमदार होगा। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट नहीं मिल पाया, अल्टीमेटली होगा क्या ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब जगमोहन मीणा को टिकट नहीं मिल पाया तो क्या जगमोहन मीणा क्या कुछ फैसला लेंगे, इस पर निगाह अब सबकी रहने वाली है। इस वक्त की मैं बड़ी खबर बता रहा हूं कि जगमोहन मीणा अब क्या फैसला लेंगे, इस पर निगाह रहने वाली है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है, जो लोकल करौली धौलपुर से ही है, और दूसरी बड़ी बात ये कि प्रधान रही है और एक सामान्य सी महिला है, ये भी जाटव समाज से है। पिछली बार खटीक समाज के मनोज राजौरिया को दो बार मौका मिला, तो अब जाटव वर्सेस जाटव होगा, एक बाहरी और एक लोकल। हाईली क्वालिफाइड है, बीएड की हुई है, पढ़ी लिखी है, तो इंदु जाटव मुकाबला किस हद तक कर पाएगी। हालांकि यहाँ पर भी कई नाम चल रहे थे, मजबूत नाम कोई नहीं था। मनोज राजौरिया के बाद उनको किसी और को दिया जाना था कि मनोज राजौरिया के अलावा किसी को देना है, तो ऐसे में 14 नामों से नाम आखिर में 3 रह गए थे। उन 3 नामों में भी एक नाम टॉप पर आया और वो नाम टॉप से जाते जाते डाउन हुआ, और उसके बाद इंदु देवी जाटव को लेकर आला कमान ने मोहर लगा दी, क्योंकि ये जो टिकट थे तीनों टिकट अटक गए थे। भीलवाड़ा को भी अभी रोका हुआ है, तो ऐसे में भीलवाड़ा में क्या सुभाष बहेड़िया को दिया जाएगा या दामोदर अग्रवाल को, इन दो नामों पर पूरा दारोमदार है कि आखिर इनमें से किसे मौका मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दौसा की सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मेरी बात यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा, दौसा की सियासत अलग रहने वाली है, क्योंकि कल एक अलग नजारा नजर आया था जब नरेश मीणा जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो मुरारीलाल मीणा के खिलाफ बोल गए थे, और मुरारीलाल मीणा ने क्लियर कर दिया था उसी मंच पर जिस पर नरेश मीणा थे। नरेश मीणा को तकलीफ हुई कि मुरारीलाल मीणा को टिकट दे दिया, मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवा ली। तो ऐसे में फिर मुरारीलाल मीणा ने अपनी रगड़ाई की कथा बताई कि मैं 15 साल तक संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद मुझे टिकट मिला। तो ऐसे में क्या नरेश मीणा वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं, या फिर जगमोहन मीणा का फैसला क्या कुछ रहेगा, मुरारी लाल मीणा सीधे तौर पर मुकाबला लेने को तैयार है, या फिर मुरारी लाल मीणा अंदर खाने कोई किसी तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि मुरारी लाल मीणा अच्छे से जानते हैं कि सेंध किस तरीके से मारनी है। यहाँ पर इस पूरी सीट पर, दौसा सीट पर मुरारी दूसरी तरफ की जो बेल्ट है, ये चाकसू के आसपास की और बस्सी के आसपास की जो बेल्ट है, यहाँ पर कन्हैयालाल मीणा पूरा जोर लगाएंगे और दौसा तक जोर लगाएंगे, तो मुरारीलाल मीणा आगे की तरफ जोर लगाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर होगा गुर्जर समाज का। गुर्जर समाज जिस तरफ मूव करेगा, तय मानकर चलिएगा कि उसी तरफ जीत होगी। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि गुर्जर समाज किस ओर मूव करता है दौसा लोकसभा सीट पर। तो वहीं करौली धौलपुर सीट पर भी गुर्जर समाज, क्योंकि मीणा और गुर्जर समाज दोनों निर्धारण करेंगे, लेकिन बैरवा समाज भी कम नहीं है, अच्छी खासी संख्या में बैरवा समाज है करौली और धौलपुर में। वहां पर ब्राह्मण, बनिया और मूल ओबीसी है, उसकी संख्या कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से कम है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। वहां पर सर्वाधिक संख्या है मीणा समाज की, फिर उसके बाद गुर्जर समाज की। गुर्जर के अलावा जाटों के भी कई गांव आते हैं, जाट 84 पूरा एक बेल्ट पड़ता है जो हिंडौन से शुरू होता है आगे तक जाता है। धौलपुर में भी जाट है, जाटों की ठीक ठाक संख्या है। तो ये किस तरफ मूव करने वाले हैं, इंदु जाटों का मुकाबला भजनलाल जाटों से होगा, रोचक मुकाबला होगा आप ये तय मानकर चलिएगा। और यहाँ की जो सियासत है,
ये बड़ी रोचक होगी। और मैं इस वक्त फिर और एक बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि भीलवाड़ा में क्या अग्रवाल को दिया जाएगा या इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ,
इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर। और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर। और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर। और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। धन्यवाद आदरणीय सी आर चौधरी साहब
इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ,
इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मीर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन। इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन। इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन। इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। धन्यवाद आदरणीय सीआर चौधरी साहब
इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी के इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान, कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट में ही मेरे साथी भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, बहन मंजू बागवाड़ जी, और अभी अभी नागौर के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को नई नीति बना करके किस तरह से किसानों को फायदा दिलवाने का काम करेंगे, ऐसे सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, राज्यसभा में हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, इस लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी अशोक सैनी जी, मेरता से विधायक भाई लक्ष्मण जी, लोकसभा के संयोजक रमाकांत जी, पूर्व विधायक डेगाना ऋषपाल मिर्धा जी, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी जी, पूर्व विधायक सुखराम नेतरिया जी, पूर्व विधायक विजयपाल जी, पूर्व सांसद रामनारायण रूड़ी साहब, हमारे क्लस्टर के प्रभारी प्रसन्न मेहता जी, रामनिवास सांगला जी, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट साहब, मंच पर विराजमान सभी
पार्टी के नेतागण और नागौर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये नागौर राजस्थान की हृदय स्थली है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, जम्मू महाराज जी, केवाई माता जी, यह सभी का दर्शन करने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्या नागौर वो क्षेत्र है क्या इसने हमारी पहचान दुनिया के अंदर दी थी? हमें पता है जब बैलों से खेती होती थी दुनिया में पर्वत सर का मेला दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग यहां आते थे, लोग यहां आते थे, यहां आकर के अपने जीवन यापन करने के लिए यहां से बैल ले जाते थे, यहां पूजते थे और नागौर की मिट्टी से जो बैल कहीं भी देश में जाता था सबसे पहले उसके चरणों की पूजा होती थी। ऐसा मेरा नागौर था। यह नागौर है, यहां के कणकण में, यहां के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और यहां का जवान सीमा पर 50 डिग्री और 0 माइनस पर बॉर्डर पर रक्षा करता है। ये किसान और जवान की धरती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक कार्यक्रम में माननीय सीआर साहब ने बुलाया था, मैंने कहा था नागौर की बेटियां हमारी बहुत आगे हैं, यहां कोई ना कोई बेटियों के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए। और मैंने कहा कि यहां की बेटियां खेलों में भी पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नागौर के अंदर हमने कहा था कि हम खेल के लिए जो 28 में हमारा लगातार ओलंपिक होने वाला है उसके लिए हमारी तैयारी हो और वो तैयारी हम नागौर से प्रारंभ करें, ये मैंने उस दिन कहा था। मित्रों मैं कहना चाहता हूं 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2019 में गठबंधन था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजनेता कहीं भी हो लेकिन उसके मन में जनता के बीच करने की कुछ टीस होती है और उस टीस के माध्यम से वो जनता को करना चाहता है। वही बहन ज्योति जी के अंदर है, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिन मूल्यों के आधार पर बनी थी उनके आधार पर चली नहीं, उस कांग्रेस ने देश के अंदर धोखा और दगा देने का काम किया। उन्होंने समझा कि यह पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें किसान का भला किया जाए, गरीब का भला किया जाए, और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के और वो हमारी प्रत्याशी बनी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागौर का भविष्य आप पर निर्भर करता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आप देख लीजिए किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी
यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। आज आप देखेंगे दुनिया में अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है तो आप देख रहे हैं। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले आए दिन देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे, घोटाले इतने बड़े होते थे कि जीरो भी नहीं गिनी जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं विस्फोट करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिक का सिर काट करके भी ले जाते थे, तुष्टिकरण के आधार पर चलते थे। लेकिन 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, कोई सिर उठा करके नहीं देख सकता। एक भी घोटाला 2014 के बाद हुआ हो तो आप सभी हैं 2014 के बाद देश में किसी प्रकार का घोटाला हुआ हो। आज देश के विकास की अगर हम बात करें, जिसे देश के किसान की हम बात करें, देश के गरीब को अगर फायदा पहुंचाने की बात करें, माता बहनों को अगर सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि ये काम जो आज हमारी 90 दिन की सरकार थी, क्योंकि 90 दिन बाद तो आचार संहिता लग गई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं 90 दिन में भी काम किया है वो हमने नहीं, वो आपकी वोट की ताकत ने काम किया है। जो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को आया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं एक बात नागौर के बारे में और कहना चाहता हूं। 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी आपने हमें विधायक जिता करके भेज दिए थे, हमने नागौर से चार चार लोगों को मंत्री बनाया था, चार चार लोगों को मंत्री बनाया था। अभी भी आपने जिता करके भेजा है तो गजेंद्र खीमसर जी भी नागौर के रहने वाले हैं, विजय सिंह जी भी नागौर के हैं, मंजू माघवार भी नागौर से हैं, और चौथे मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में सीआर चौधरी साहब भी नागौर के रहने वाले हैं। इस बार भी चार चार मंत्री नागौर से हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस के लोग अफवाह में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलने का काम करेंगे। मैं आपको नागौर के कुछ पेपर भी लेके आया हूं जो कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, कांग्रेस के लोगों ने घोषणा किया है लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। ये पेपर भी मैं लेके आया हूं कितनी उन्होंने घोषणा की है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके बीच में जो बात करके जाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो बात हमने कही है, हम आज भी आपको
विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम एक एक हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र के बात को हम पूरा करेंगे, एक एक बात को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, हमने कहा था 16 दिसंबर को, और हमने हमारी घोषणा पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों ने इन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं को दर्द देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, हम SID गठित करेंगे और इस पेपर लीक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उसको सलाखों के अंदर करेंगे, सलाखों के अंदर करेंगे। आपसे वादा किया था, उनमें से 65 लोग बंद हो गए और अभी चालू कार्रवाई चालू है। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा लेकिन गलत किया है तो सलाखों के पीछे होगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी RPSC तो बाकी है, CR चौधरी साहब भी उसमें रहे हैं, RPSC का मान बढ़ाया है, देश के अंदर इस RPSC का बहुत बड़ा नाम था, उसके विश्वास का, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 6000 रुपए बढ़ते थे, 6000 रुपए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम करते थे, हमने वायदा किया। पहली किस्त हमने 2000 रुपए बढ़ा करके हमने 8000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सम्मान निधि कौन देता था, सम्मान निधि कौन देता था, कौन देते हैं सम्मान निधि, मोदी जी देते हैं ना, केंद्र की सरकार देती है कि नहीं देती, हाथ तो खड़े करो, केंद्र की सरकार देती है ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर किसी के पिताजी का देह अवसान हो जाता है तो उनके बेटे 1, 2, 3 बेटे होते हैं तो उनका दाखिला नहीं खुलता है, नामांतरण भी खुलता है क्या, नामांतरण खुलता है कि नहीं खुलता है। अगर उनको उनको तो इसलिए नहीं मिल रही कि उनके पिताजी चले गए, उनको इसलिए नहीं मिल रही कि जब नामांतरण खुलता है तो उसकी सूची केंद्र सरकार ने मांगी कि आप वो सूची भेजिए, इस राजस्थान की सरकार ने उस सूची को भी केंद्र में नहीं भेजा, 60000 से ऊपर वो सूची हमने भेज करके नए 60000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा गेहूं की MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी, हमने पहली किस्त में 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज हमने जिस तरह के हमारे पानी को लेकर के हमारे एमए हुआ है, 21 जिले हमारे ERCP से जुड़ने वाले हैं, 3 जिले हमारे बहुत ही ऐसे जिले जहां पानी की कमी है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, हमने कहा हम इनको जोड़ना चाहते हैं, यमुना का हमारा समझौता, हमारा वहां चंबल का समझौता होगा, यमुना के भी समझौता हम करने वाले हैं। हमने कहा अधिकारियों से, मैंने कहा आप अपने पेपर तो निकालिए हमें दीजिए, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब हमने भी यमुना समझौता के लिए काम किया है, हम भी यमुना समझौता करना चाहते हैं। हमने कहा पेपर निकालिए, पेपर निकलवाए, हमने देखा उन्होंने एक भी पत्र किसी को नहीं लिखा, ना हरियाणा सरकार को लिखा, ना केंद्र की सरकार को लिखा, अगर कोई पत्र लिखा 1994 में लिखा और वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय।
अब अगली खबर चुरू से है। चुरू में भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बीच में सीधा। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे,
लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया, इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया, इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया, इस पूरे विश्लेषण के लिए। और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहां से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा
जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंची है। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण की लौट चली सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण की लौट चली सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण की लौट चली सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण की लौट चली सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे,
लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजन लाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा
जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम जलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंची है। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे, लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सीआर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। समय पूरे परवान पर शुक्रिया। इस पूरे विश्लेषण के लिए चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन, इससे पहले आपने देखा सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन के दौरान वो मौजूद थे,
लेकिन अब नामांकन सभा के लिए पहुंचे हैं नागौर और ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा, जिसमें मंत्री मंजू बाघमार, कन्हैयालाल चौधरी, गजेंद्र सिंह खिमसर भी उनके साथ, इनके अलावा भाजपा नेता सी आर चौधरी, ऋषपाल मिर्धा भी वहां पर मौजूद हैं। काफी इंटरेस्टिंग और हॉट सीट है राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट भी, क्योंकि ये तीसरी मर्तबा होगा जब यहाँ से चेहरे वही होंगे, लेकिन इस बार जो दामन होगा, जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है, वो भिन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, उनके नामांकन सभा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा में पहुंचे हैं। इससे पहले सीकर की तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि आज सीकर भी सीएम पहुंचे थे। इस समय पूरे परवान पर शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, और चलिए सीधा नागौर लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा मंच पर उनके साथ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और नामांकन